हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर पथ में। दोस्तों, मैं सचिन मिश्रा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग मैथ में पढ़ रहे थे सिंप्लीफिकेशन, यह सिंप्लीफिकेशन का सेकंड क्लास है। तो चलिए उसके आगे कंटिन्यू करते हैं एक क्वेश्चन लेके। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर एक, क्वेश्चन क्या है, 0.005 मल्टीप्लाइड बाई भाई 10^5 मल्टीप्लाइड बाई 33 माइनस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 60 का स्क्वायर। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 0.005 इंटू 10^5 यानी 10 का गुणा 5 बार, 10 × 10 × 10 × 10 × 10 माइनस क्वेश्चन मार्क बराबर 6,3600। दोस्तों चलिए इसको और सिंपल बनाते हैं। 0.005 इंटू 1, 2, 3, 4, 5 माइनस इनटू 33 माइनस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 3600। दोस्तों अब 100,000 का गुणा यदि हमको 0.005 में करना है तो क्या होगा, इधर से 3 0 कट जाएगा, ये 3 0 यानी 500 इंटू 33 माइनस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 3600। तो दोस्तों क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 500 गुणा 33 में करेंगे तो क्या आएगा, 16,500 3600 इस साइड में आएगा तो माइनस में 3600। अब 16,500 में 3600 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा, 12,900, यही आपका आंसर रहा। तो चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन और लेते हैं। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। दोस्तों 67 से 2211 33 बार जाएगा, पूरा कट जाएगा, तुम्हारा बच्चा क्या 33 स्क्वायर माइनस 21 मल्टीप्लाई बाई 256 किसका स्क्वायर रूट है, 16 का भागा। अब 549 में 213 को आप माइनस कर दीजिए, कितना आएगा, 336 बराबर क्वेश्चन मार्क भागा 1344। चलिए दोस्तों और सिंपल बनाते हैं इसको। 33 का स्क्वायर कितना हो गया, 1089 माइनस 21 का 16 में गुणा करिए, कितना आएगा, 336 भागा 336 बराबर क्वेश्चन मार्क भागा 1344। चलिए इसको सिंपल करते हैं। 1089 में 336 को माइनस करेंगे, कितना आएगा, 753 इंटू 1344 को इधर लाइए, 1344 भागा 336 बराबर क्वेश्चन मार्क। अब 336 से 1344 पूरा कट जाएगा, 4 बार जाएगा तो कितना हुआ अपना, 753 मल्टीप्लाइड बाई 4 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क बराबर कितना हो गया, 753 का 4 में गुणा करेंगे, कितना आएगा, 3012, यही आपका आंसर रहा। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, 47
एक दो तीन चार पाँच प्लस 47 मल्टीप्लाइड बाय 5 47 प्लस 47 मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइड बाय 47 मल्टीप्लाइड बाय 2 इक्वल टू 47 इनटू क्वेश्चन मार्क। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों पहले बार हम लोग चेक करते हैं 47 कितने टाइम्स है, एक दो तीन चार पाँच छः, तो इसको हम 47 मल्टीप्लाइड बाय 6 लिख सकते हैं, क्योंकि 47 प्लस 47 छः बार है, एक दो तीन चार पाँच छः, 47 इंटू 6 यहाँ तक हो गया। फिर मल्टीप्लाइड बाय कितना है 5, फिर क्या है मल्टीप्लाइड बाय 47 इंटू 2, ये 47 प्लस 47 को हम 47 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, इंटू क्या बचा आपका 6, डिवाइड बाय क्या है 47 मल्टीप्लाइड बाय 2 इक्वल टू 47 इंटू क्वेश्चन मार्क। चलिए इसको और सिंपल कर लेते हैं। दोस्तों ये 47 इंटू 2 और ये 47 इंटू 2 आपस में क्या है कट गया, अब क्या बचा आपका 47 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 6 इक्वल टू 47 इंटू क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन मार्क को इस साइड मिलाएंगे हम लोग, क्या होगा 47 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 6 डिवाइड बाई 47, ये वाला 47 नीचे आ गया, 47 और 47 कैंसिल आउट, क्या बचा आपका 6 × 5 = 30 और 30 × 6 = 180, यही आपका आंसर रहा। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन क्या है 50% ऑफ ब्रैकेट्स में 13 सही 1/10 प्लस 11 सही 1/10 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 50% यानी 1/2 ऑफ 131 बटा 10 प्लस 111 बटा 10 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो क्या हो गया आपका क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 10 का इसमें भाग देंगे कितना आएगा 13.1 प्लस 10 का भाग 111 में देंगे कितना आएगा 11.1 क्वेश्चन मार्क इक्वल टू, इन दोनों को आप लोग ऐड कर दीजिए 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 13.11 = 24.2। अब 2 से काट दीजिए इसको, 2 बार हमें 24, 2×1 = 2 क्वेश्चन मार्क इक्वल टू कितना आ गया 12.1, यही आपका आंसर रहा। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन क्या है रूट 729 डिवाइड बाई 45 मल्टीप्लाइड बाई 720 प्लस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 30 का स्क्वायर। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 729 किसका स्क्वायर रूट है 27 का, 27/45 इंटू 720
प्लस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 30 का स्क्वायर मतलब 900। अब इसको सिंपल बना लेते हैं, 5 से काटते हैं इसको, 5 नवा 45, 5 एक का 5, 5 चौ 20 और 5 चौ 20 144 बार जाएगा, 720 पूरा पूरा 5 से डिवाइड हो जाएगा, 9 एक का 9 और 9 3 27, 27 भी कट गया। तो क्वेश्चन मार्क बराबर क्या हो गया, क्वेश्चन मार्क बराबर 900 माइनस 144 का 3 में गुणा करिए कितना आएगा, 432। अब 900 में 432 माइनस कर दीजिए, वही आपका आंसर हो गया, 900 में 432 माइनस करेंगे 468 आपका आंसर रहा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। दोस्तों 316 इंटू 314 बटा 315 प्लस 1 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक एग्जांपल से, जैसे हमने 8 का गुणा 6 में किया तो क्या हो गया, 8 6 48, 8 गुणा 6 में किया तो 48 और 48 में एक ऐड किया कितना हो गया 49, 49 क्या है 7 का स्क्वायर। एक संख्या और लेते हैं, 5 के गुणा यदि 7 में करना है क्या होगा, 7 5 35 और 35 में एक जोड़ दिया जाए तो क्या आएगा 36, 36 क्या है 6 का स्क्वायर। मतलब सब ये निकला कि यदि दो अल्टरनेट नंबर का आपस में मल्टीप्लाई किया जाए और उसमें एक ऐड किया जाए तो निकल के आता है इन दोनों के जो बीच की संख्या है उसका स्क्वायर, यही निकल के आता है। जैसे कि हमने 5 और 7 का गुणा किया 35 आया, 35 में एक जोड़ा तो 36 आया, 36 क्या है 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर यानी 5 और जो 7 है उसके जो बीच की संख्या है उसका स्क्वायर निकल के आ रहा है। तो वही इस क्वेश्चन में भी है, देखो 316 और 314 तो क्या होगा, इन दोनों बीच की जो संख्या है 315 उसका स्क्वायर ही निकल के आएगा। तो चलिए अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या निकल गया, 315 का स्क्वायर बटा 315, 315 से 315 एक बार कट गया तो आपका आंसर क्या आया 315, यही हमारा आंसर रहा। तो चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन और लेते हैं, 99 से ही 823 बटा 831 इंटू 831 बराबर क्वेश्चन मार्क। दोस्तों हम लोग बचपन से जो भिन्न लगाते हैं, फ्रैक्शन लगाते चले जा रहे हैं, क्या करना रहता है हम लोगों को, 831 का 99 में गुणा करो, इसको ऐड करो और बटे में ये लिखो, यही ऐसे करते चले जा रहे हैं। तो चलिए करके देख लेते हैं, हम लोग करते क्या है, पहले 831 इंटू 99 प्लस 823 बटे में 831 मल्टीप्लाइड भाई 831, यही करते चले जा रहे हैं भाई, इसका इसका गुणा किया, इसको ऐड किया, बटे में ही लिखा, वही कर दिया। तो ये 831 और 831 आपस में कट जाएगा। चलिए इसको और सिंपल कर देते हैं, तो 831 मल्टीप्लाइड बाई 99 गुणा न करके हमने क्या किया, 100 माइनस 1 का गुणा कर दिया अपने कैलकुलेशन को आसान करने के लिए, 823। अब चलिए इसका गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये आपका 831 डबल जीरो माइनस 831 प्लस 823 यही हुआ। तो दोस्तों ये होगा अपना 883,100 माइनस 823 में से 831 को माइनस करोगे तो कितना गया, यानी कि 800 को छोड़ो आप 31 में 23 माइनस करोगे तो कितना आएगा 8। अब क्या है 83,100 में 8 को माइनस कर दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 83,000, 100 में से 8 निकालो तो 92,
यही आएगा आंसर। दोस्तों इस क्वेश्चन का चाहो आप तो इतना स्टेप हम लोगों को नहीं लिखना है, आप चाहो तो यहाँ से आप डायरेक्ट यहाँ आ सकते हैं। करना क्या रहता है दोस्तों कि जब भी आपको इस टाइप की फ्रेमिंग दिखे तो जो नीचे संख्या है इसको आपको डायरेक्ट लिखना है 831। अब जब डबल 9 है तो आप डबल 0 लगा दीजिए यहाँ पे, फिर माइनस में इन दोनों संख्या का डिफरेंट यानी इन दोनों संख्या का अंतर जो भी रहेगा वही इसमें से माइनस करो आपका आंसर आ जाएगा। अब 823 में से 831 में से 823 को माइनस करोगे तो अंतर कितना है 8, वही आया। और अब आपका आंसर क्या रहा 83092। यानी इतना स्टेप आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा जो ए है इसमें जब जितने 9 लगा है उतना 0 लिखो, इन दोनों का अंतर लिखो, वही आपका आंसर रहेगा। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन और लेते हैं उसी टाइप में 999 सही 61/67 × 67 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो पिछले क्वेश्चन में हमने क्या बताया था, कुछ नहीं करना है दोस्तों, हम लोगों को जो 67 है ये 67 सीधा सीधा लिखो, जितना बार 9 हो उतना 0 लगाओ 1 2 3, और माइनस में क्या करना है इन दोनों का अंतर यानी कि 67 में से 61 को माइनस कर दो 6, यही आपका आंसर रहेगा। तो इस 6 को तो आप ऐसे ही रख दो, अब 7000 में 6 माइनस कर दो 6994 यानी 66994 हमारा आंसर रहा। ठीक, एक लाइन में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 99 सही 61/66 × 11 + 5/6 बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यदि यहाँ भी 66 होता तो पिछले जैसे हमने क्वेश्चन किया उस टाइप से हम इसको कर सकते हैं, यदि यहाँ भी 66 होता तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में सीखा उस टाइप से करके सॉल्व कर सकते थे, लेकिन यहाँ 66 नहीं है तो इसको 66 बना लेते हैं, यानी क्या हो गया 99 सही 61/66। अब इसको 66 कैसे बनाएंगे, 6 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे मल्टीप्लाइड बाई 11 × 6/6 + 5/6 क्या हो गया हमारा 99 सही 61/66 + 66/6 + 5/6 यही हुआ। अब दोस्तों इतने तक की कहानी हम लोगों को मालूम है, जैसे पिछला क्वेश्चन था उसी टाइप से पहले कर लेते हैं, इतना तक हम लोगों को मालूम हो तो पहले इतना ही कर लेते हैं। क्या करना है इसमें 66 डबल 9 है डबल 0 लगाया, अब 66 और 61 का डिफरेंट कितना है 5, 5 को घटाया बटे में क्या हो गया आपका ये जो 6 है 6 आया प्लस 5/6। अब दोस्तों इसको ये तोड़ देते हैं, चलिए तोड़ देते हैं अपने क्वेश्चन को क्या है सॉल्व करने के लिए, आसान करने के लिए इसको हम तोड़ कर देख लेते हैं तो क्या हो जाएगा 66/100 − 5/6 + 5/6 ये वाला। अब ये प्लस 5/6 ये माइनस 5/6 आपस में कट गए, अब 6 से इसको काट दो 6 × 6 बराबर कितना आ गया 1100 आपका आंसर रहा। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही, अब फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।